हाय दोस्तों, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं पीएससी प्रेप विद दीपिका। आज ये वीडियो है ईस्टर संडे बॉम्बिंग्स के ऊपर जो श्रीलंका में अभी हुआ है। ईस्टर के दिन बहुत ही सैड, बहुत ही डिप्रेसिंग बॉम्बिंग है। ये बहुत ही दुखद न्यूज़ है और इसके ऊपर हम आज पूरी डिटेल में कवर करने वाले हैं कि क्यों हुआ ये सारा बॉम्बिंग, का क्या रीज़न था, और इसके पूरे डिटेल में हम जाएंगे। तो ये आपको मैं बता दूं कि ये अटैक हुआ था ईस्टर के दिन, जो कि बोला जा रहा था कि श्रीलंका के ही एक टेररिस्ट और ग्रुप है, मुस्लिम टेररिस्ट ग्रुप, उसने किया है। बट ये बाद में इस्लामिक स्टेट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी इसके लिए और बोला कि ये हमने किया है। तो अभी हम जान लेते हैं कि श्रीलंका में क्या चल रहा था और अभी क्या है। 2000 वाले डेकेड में श्रीलंका में जो वहाँ के जो लोकल हैं, सिन्हालीज बुद्धिस्ट और जो इंडियन हैं, तमिल तमिल स्पीकिंग जो हिंदू हैं, उन दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। मुस्लिम्स वहाँ की माइनॉरिटी हैं, सिर्फ 10% लोग वहाँ के मुस्लिम हैं। यू कैन सी हियर मोर देन 70% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज बुद्धिस्ट, 12% हिंदू हैं, 10% मुस्लिम हैं और सिर्फ 7% मुस्लिम क्रिश्चियन हैं। तो फिर जो अटैक हुआ था ईस्टर में, ये बहुत ही भयावह अटैक हुआ है। बहुत सालों बाद, बहुत डेकेड्स बाद ऐसा अटैक हुआ है। तो 2009 में ये जो है इनका LTE वाला वॉर जो है वो ख़त्म हो गया था। ये एक डिवाइड वहाँ पे पहले से चल रहा था, किसी को ध्यान में भी नहीं था कि यहाँ पे इस्लामिक स्टेट इस तरह से आके बीच में बॉम्बिंग कर देगा। एवरी वन वॉज शॉक्ड कि क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जाएगा। लेकिन ये क्यों टारगेट किया, जो न्यूजीलैंड में जो टू मॉस्क में जो हुई थी, क्राइस्ट चर्च के टू मॉस्क में जो किलिंग हुई थी, उसका रिटेलिएशन, हमने उसका बदला लिया है। ऐसा आइसिस ने कहा है कि तुमने हमारे मुस्लिमों को ऑस्ट्रेलिया में मारा है, हम तुम क्रिश्चियन लोगों को श्रीलंका में मार रहे हैं। बट श्रीलंका को क्यों टारगेट किया है, इसके बारे में हम और जानते हैं। श्रीलंका में एक रेडिकल इस्लामिस्ट चलती है, नेशनल तौहीद जमात श्रीलंका में ऑलरेडी चलती है, NTJ। तो NTJ का अभी बोला जा रहा है कि इसका कोई पॉसिबली इंटरनेशनल नेटवर्क रहा होगा। तो आईसिस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद ये पता चल चुका है कि NTJ का जो है कनेक्शन आईसिस से रहा होगा। और इसके बाद, इस अटैक के बाद, गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रांग स्टेप्स लिए हैं। सेवरल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव बीन सस्पेंडेड। फेसबुक बंद कर दिया श्रीलंका में, व्हाट्सएप बंद हो गया है, इंस्टाग्राम बंद हो गया है, ये रोकने के लिए, जो भी स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन है ये सब रोकने के लिए। और बहुत ही स्ट्रिक्ट मेजर है किसी भी कंट्री के लिए, और इससे बहुत नुकसान भी हो रहा है सिविल सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, सिटीजन्स को। तो अब हम पढ़ते हैं कि आइसिस ने श्रीलंका को ही क्यों चूज किया है। तो पहले मैं आपको आइसिस के बारे में बता दूं, आइसिस जो है सीरिया में उसका हेडक्वार्टर था, जो कि लगभग यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्लेम कर रही है कि हमने आइसिस को खत्म कर दिया है। तो आइसिस है कौन लोग, आइसिस जो है खलीफा खलीफा जो रहता है, खलीफेट को बिलीव करते हैं। वो बिलीव करते हैं कि वर्ल्ड में सिर्फ एक ही, पूरे अर्थ में सिर्फ एक ही रूल चलना चाहिए, इस्लाम का, कट्टर इस्लाम चलना चाहिए। और जितने भी फेथ जो कि मुस्लिम नहीं है, मतलब क्रिश्चियन हो गए, हिंदू हो गए, उन सबको वो अपना दुश्मन समझते हैं। तो सीरिया से, उनका हेडक्वार्टर से तो वो उनको उड़ा ही चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके बचे हुए इधर उधर फैले हुए हैं। लेकिन रिपोर्ट्स में ये आया है कि अभी भी कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। अब मैं आपको बता दूं ये क्यों फैल रहा है। द हिस्ट्री ऑफ जिहादिस्ट इंसर्जेंसी, हाई मुस्लिम पॉपुलेशन, ग्रोइंग टेंशन बिटवीन कम्युनिटीज मे हैव ऑल प्रॉम्प्टेड द ग्रुप टू फोकस ऑन द रीजन एंड इट्स क्वेस्ट फॉर एक्सपेंशन। जो कि मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है सीरिया, अब वो एक्सपेंड करने का सोच रहा है। कहाँ एक्सपेंड कर रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपेंड कर रहा है, अफ्रीका में एक्सपेंड कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, जिस भी एरिया में एक्सपेंड कर रहा है, वहां का जो लोकल मुस्लिम इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको वो टाई अप कर रहा है अपने साथ। फॉर एग्जाम्पल, नाइजीरिया में बोको हराम है, तो बोको हराम को उसने अपने साथ कर लिया है बोको हराम में। फिर अफगानिस्तान में भी है, तो वहां पे भी आईएसआईएस मेंबर्स है और उन्होंने एक सेटअप कर लिया है उनके साथ। और उन्होंने अपना नया नाम क्या चालू कर दिया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक। और इस तरह से बहुत सारे जगह में, सोमालिया में, हर जगह उन्होंने टाई अप्स कर लिए वहां के मुस्लिम। और उनका मेन टारगेट, जो दो तरह के मुस्लिम होते हैं, सुन्नी और शिया, तो ये शिया को टारगेट करते हैं हमेशा। तो इस तरह से ये हर जगह अपने पंख फैला रहे हैं आइसिस वाले। इट इज फ्रॉम खुरासन अफगानिस्तान दैट आइसिस इज हैंडलिंग। खुरासन एक जगह है
जहां से वो हैंडल कर रहा है अपना साउथ एशिया ऑपरेशंस, मतलब इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। अभी तक आईसिस ने कोई मेजर अटैक नहीं किया है इंडिया पे, ना ही कोई प्रेजेंस है उसकी इंडिया में, बट इट हैज़ लेड डजन्स ऑफ इंडियंस इन टू इट्स फोल्ड। वो क्या करता है, मुस्लिम लड़कों को पकड़ता है जो यंग एज में रहते हैं, जो बिल्कुल उनकी एज रहती है ना, जस्ट टीन एज में से निकले होते हैं या टीन एज में ही होते हैं, उनके दिमाग को वो पूरी तरह से चेंज कर देते हैं, उनको ब्रेन वॉश कर देते हैं इस्लाम के नाम पे, और वो बच्चे बिल्कुल इनोसेंस से सुसाइड बॉम्बर बनने को, नॉट ओनली बच्चे, इवन एडल्ट्स भी बिल्कुल सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, इस तरह से उनका वो ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो ये इंडिया के काफ़ी मुस्लिम लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और अपने जिहाद करने के लिए उनको इंस्पायर कर रहा है। तो कंक्लूजन क्या है, द आईएस वर्ल्ड व्यू ऑफ परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इट्स वर्जन ऑफ प्यूरिटेनिकल इस्लाम, प्यूरिटेनिकल इस्लाम मतलब कट्टर इस्लाम, एंड अदर कल्चर्स कंटिन्यूज टू इंस्पायर यंग जिहादिस्ट। वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को मानता है और जो भी कल्चर है, जो भी रिलीजन है जो कि मुस्लिम नहीं है, उन सबको वो गलत मानता है। आईसिस एकदम कट्टर सोच का है। तो यूएस क्या क्लेम कर रही है कि हमने हमने आईसिस को पूरी तरह से तबाह कर दिया, लेकिन अभी तबाह नहीं हुआ है। 15,000 पन्नों की रिपोर्ट आई है जिसमें बोला गया है कि उनका इंटरनल नेटवर्क इतना स्ट्रांग है। उनका टारगेट है कि वो अपना आईसिस का रूल पूरे वर्ल्ड में जहां तक हो सके फैलाएं, उनका ये टारगेट है। तो उन्होंने कई जगह स्कूल खोल रखे हैं, कई जगह हॉस्पिटल चल रहे हैं, उनका वेलफेयर स्कीम चल रहा है, सिटीजन्स को भी डरा दबा के रखे हैं, बट उनका कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, और उनका इंटरनल नेटवर्क इतना स्ट्रांग है बाकी जगहों में, जो कि यूएस का क्लेम है कि हम आईसिस को बंद कर चुके हैं, वो बिल्कुल उस चीज को जस्ट उल्टा बोल रहा है, उसके उसके जस्ट नेगेट कर रहा है। तो थाउजेंड्स ऑफ आईएस मिलिटेंट्स हैव सर्वाइव द फॉल ऑफ खलीफैट। खलीफैट मतलब 1924 तक खलीफा को माना जाता था, उसका एंड माना गया है। खलीफा मतलब एक मुस्लिम उनका एक राजा रहेगा जो कि पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम कंट्रियों का राजा रहेगा, उसको वो सबको उसका ओहदा देते थे, उतना रिस्पेक्ट देते थे, बट दैट हैज कम टू एन एंड। टर्की का जब राज्य अलग से कंट्री बनी टर्की, दैट वॉज मेंट कि अब ये खलीफा खत्म हो चुका है, लेकिन उसके जो रेसिड्यू थे वो मिलके उन्होंने आईसिस बना दिया और वो फिर से एक मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम किंगडम बनाना चाहते हैं काइंड ऑफ। तो अभी भी काफी फैला हुआ है। देयर टारगेट इज टू स्प्रेड टेरर एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड ट्रिगर अ कल्चरल वॉर। वो मतलब कल्चर को फोकस करके वो वॉर करना चाहते हैं बिटवीन इस्लाम एंड अदर फेथ्स। तो दिस टाइम श्रीलंका, इस बार श्रीलंका हुआ है, नेक्स्ट टाइम इट कुड बी एनी कंट्री, किसी भी कंट्री को टारगेट कर सकता है, वो किसी भी कंट्री के किसी भी रिलीजन को टारगेट कर सकता है। तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं जो अफगानिस्तान में हो रही है, लीबिया में हो रही है, हर जगह, इवन श्रीलंका का जो भी एनटीजे है उसको भी उसने अपने साथ टाई अप कर लिया है, तो इससे ये पता चल रहा है कि अभी भी आईसिस काफी काफी स्ट्रांग है। उसका जरूर उसका कोर, इट मे हैव वीकेंड इट्स कोर बट इट्स फार फ्रॉम डिफीटेड। अभी भी बहुत ही बड़ा डेंजरस खतरा है ये वर्ल्ड के लिए, आईसिस के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आईसिस के लिए वर्ल्ड क्या कर रही है? बहुत बड़े बड़े थिंक टैंक बैठे हुए हैं अमेरिका में जो कि सोच रहे हैं कि हम आईसिस को कंप्लीटली किस तरह से खत्म करें। तो उसके लिए हमें मिलिट्री ऑपरेशंस तो करने ही होंगे इन लोगों को उड़ाने के लिए, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ साथ जिन कंट्रीज में ये इसका प्रेजेंस है आईसिस का, उन कंट्रीज का एडमिनिस्ट्रेशन, उन कंट्रीज का पब्लिक वेलफेयर, उन कंट्रीज का चिल्ड्रन हेल्थ, उन कंट्रीज का एजुकेशन, ये सारे एस्पेक्ट्स में उनको इतना अच्छा काम करने की ज़रूरत है कि वहाँ के सिटीजन्स को लगे ही ना कि आईसिस की हमें ज़रूरत है। जब आप ऑलरेडी हर चीज़ इतना अच्छा कर दोगे तो आईसिस का जो टारगेट है कि वो एक अपना खुद का गवर्नमेंट बनाना चाहे, वो अपने आप वीकेंड हो जाएगी। नॉट ओनली मिलिट्री ऑपरेशंस, जितनी भी कंट्रीज में आईसिस प्रेजेंट है वहां पे उन कंट्रीज को डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी सबसे ज्यादा पिछड़े डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो रीजन्स आते हैं, अफ्रीका हो गया, सोमालिया हो गया, उनकी कंडीशंस इतनी खराब है ऑलरेडी, वहां इतनी गरीबी है, इतनी बीमारियां चलती हैं, कोई एजुकेशन का कोई ज्यादा लेवल नहीं है, तो इसीलिए वहां पे ये टेरर और ज्यादा फैल रहा है। तो इसके लिए हमें अभी बहुत काम करना है आगे, अपने हर कंट्रीज को बहुत आगे बढ़ना है, डेवलप होना है, और
इस चीज को आगे बढ़ने से रोकना है। न सिर्फ ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि हम ये सब करें, पूरे वर्ल्ड हार्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब करने का हमें बहुत ज्यादा अभी इट्स नीड ऑफ द आवर। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अबाउट आइसिस एंड दैट अटैक जिसमें 350 लोगों की मौत हो गई बहुत ही गंदी और भयावह तरीके से। ईस्टर के दिन जब चर्च पे वो बैठ के प्रे कर रहे थे तब उनके ऊपर अटैक किया गया सुसाइड बॉम्बर से। दैट इज वेरी वेरी पैथेटिक एंड वेरी टेरिफाइंग। सो आई जस्ट होप कि ऐसा फ्यूचर में बिल्कुल भी ना हो इस तरह की बॉम्बिंग्स, और हम सबको मिलकर कुछ ना कुछ इसके लिए करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। बाय बाय।